Now! What is it? Please help me. Please help me. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आरके क्रिएशन चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 हॉरर थ्रिलर मूवीज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी फर्स्ट मूवी है इंसिडियस। यह मूवी 2010 में रिलीज की गई है, जो कि हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी की बात करें तो एक फैमिली जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हुई है, इनका एक बेटा अचानक ही कोमा में चला जाता है। उस घर की फैमिली मेंबर्स को हॉरर एक्टिविटीज फील होने लग जाती है। धीरे धीरे और ज्यादा हॉरर एक्टिविटी होने लगती है। अब आगे इनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और इन सब के पीछे कौन है, ये इस मूवी में पता चलेगा। इस मूवी को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द लॉज। यह मूवी 2019 में रिलीज की गई है, जो कि हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी है दो बच्चों की, जिनके साथ रिसेंटली दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है और उन दोनों को उनके पिता क्रिसमस वीक के लिए एक विंटर केबिन में ले जाते हैं, ताकि वे दोनों अपनी मदर के साथ अच्छे से रह सके। और उनके पिता को कुछ काम के लिए उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है, तभी उनके साथ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगती है। अब वे कैसे इनसे बचते हैं, ये इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी को 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द अदर्स। यह मूवी 2001 में रिलीज की गई है। मूवी की कहानी एक बड़े से महल टाइप घर से शुरू होती है, जहाँ पर एक परिवार दुनिया से अलग सुख शांति की जिंदगी जी रहा है, एक माँ और दो बच्चे। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों बच्चों में से बड़ी बहन घर के तीसरे बच्चों को देखने की बात करती है, जिसका नाम होता है विक्टर। इस घर में एक नहीं बल्कि पूरा परिवार रहता है, जिसमें विक्टर की मम्मी पापा और एक ओल्ड लेडी है, जो कि खुद को एक विच जादूगरनी बताती है। शुरुआत में तो ये सिर्फ लड़की को दिखाई देती है, बाद में सभी के साथ हॉरर एक्टिविटीज होने लगती है। यहाँ से शुरू होती है इंसान और शैतानों के बीच जंग। अब आगे क्या होता है, ये इस मूवी में पता चलेगा। इस मूवी को 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है हस। यह मूवी 2016 में रिलीज की गई है। ये मूवी है मेडी नाम की एक लड़की की, जिसका घर भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान इलाके में होता है। वो अपने घर में अकेली रहती है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर आती है और थोड़ी देर में वापस चली जाती है। कुछ समय बाद एक साइको किलर मेडी के फ्रेंड के घर तक उसका पीछा कर उसको मार देता है, और उस साइको किलर का अगला शिकार होती है मेडी। अब क्या इस साइको किलर से मेडी अपने आप को बचा पाएगी या नहीं, ये इस मूवी में पता चलेगा। इस मूवी को 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है 28 डेज लेटर। यह मूवी 2002 में रिलीज की गई है। मूवी में बताया जाता है कि मूवी का हीरो जब अपनी आंखें खोलता है, तब वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वह देखता है कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। तब वह हॉस्पिटल से बाहर आता है, तब शहर में एक भी इंसान नहीं होता है। फिर हीरो को दो व्यक्ति मिलते हैं और वो किसी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं और ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो हीरो को खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हीरो वहाँ से निकलकर बच जाता है। फिर हीरो को कुछ लोग मिलते हैं जो कि इंसान होते हैं। अब ये सब मिलकर कैसे ज़ॉम्बी से बचती हैं, ये इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी को 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है।